जैसा कि सभी जानते हैं कि इंडिया में लॉकडाउन एक्सटेंड कर दिया गया है, ऐसे में सभी को एंटरटेन रखने के लिए सभी चैनल्स पुराने शोज को टेलीकास्ट कर रहे हैं। ऐसे वक्त में जहां बड़े बड़े चैनल्स के पास फ्रेश कंटेंट की कमी है, वहीं लोटपोट के फेमस कार्टून कैरेक्टर्स मोटू और पतलू आपको एंटरटेन करना नहीं छोड़ेंगे। जी हाँ, एनिमेशन कंपनी कॉस्मोस माया बच्चों के एंटरटेनमेंट का ध्यान रखते हुए इंडिया के नंबर वन कार्टून मोटू और पतलू के फ्रेश एपिसोड्स टेलीकास्ट करवा रही है। अब बच्चों को स्कूल से मिली इन छुट्टियों में बोर होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके फेवरेट कार्टून कैरेक्टर्स हर रोज एक नई कहानी के साथ उन्हें एंटरटेन करेंगे। मोटू और पतलू की मस्ती लॉकडाउन में भी रुकने वाली नहीं है। और हाँ, मोटू और पतलू इन नए एपिसोड में क्वारंटीन लाइफ एंजॉय नहीं करने वाले हैं, क्योंकि मोटू और पतलू फुरफुरी नगरिया से सीधे निकलकर पहुंच गए हैं यूरोप। अब घर बैठे बोर होते बच्चे भी अपने फेवरेट मोटू और पतलू के साथ यूरोप की सैर कर सकते हैं। आपको बता दें कि इसका फर्स्ट एपिसोड 16 अक्टूबर 2012 को टेलीकास्ट हुआ था और तब से अब तक ये कार्टून लगातार टेलीकास्ट किया जा रहा है। और अब इस लॉकडाउन के चलते भी एपिसोड्स रुकने वाले नहीं हैं। सिर्फ मोटू और पतलू ही नहीं, इस कार्टून के बाकी कैरेक्टर्स को भी बच्चे बेहद पसंद करते हैं, जैसे डॉक्टर झटका और घसीटा राम। ये सभी कैरेक्टर्स लोटपोट की कॉमिक्स से इंस्पायर्ड है, जिनके फाउंडर लेट श्री एपी बजाज थे। पहले ये कॉमिक्स सिर्फ हिंदी में पब्लिश होती थी, पर अब ये इंग्लिश में भी पब्लिश की जाती है। आपको बता दें कि ये कॉमिक पहली बार ईयर 1969 में पब्लिश की गई थी। मोटू और पतलू के फ्रेश एपिसोड्स आप सभी मंडे टू फ्राइडे 6:30 to 7 निकलोडियन पर देख सकते हैं।